जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ हिंदी के टॉप 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। अगर ये टॉप 100 प्रश्नों की हम बात करें, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण है। ये मॉडल पेपर की सीरीज है, जो आपके परीक्षा में जो प्रश्न है एकदम हूबहू यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये कॉपी कलम के साथ बने रहेंगे, क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगी इसकी स्क्रीनशॉट रख लेंगे। जैसे क्लास खत्म होगी, इसकी जो पूरी पीडीएफ है ये आपको एक साथ आपको मिल जाएगी ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर। तो बिना देरी के आप सभी साथी, जितने भी साथी मित्र वीडियो को पढ़ रहे हैं, वे सभी लोग एक एक करके इस सेशन में बने रहें और अपने साथी मित्रों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि अभी की बात एक सीट हमार और सिलेक्शन के लिए भी पढ़ रहे हैं, और सिलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, ये फटाफट अंदाज हम लोग पढ़ेंगे, ताकि टॉप 100 प्रश्नों को पढ़ सके जो प्रीवियस ईयर पेपर प्रश्नों में आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, अगर हम बात करें मॉडल पेपर की सीरीज है, वो हिंदी का सामान्य परिचय है, हिंदी की बोली, उपबोली, इनका जन्म कहां से हुआ है, इन सभी टॉपिकों पर, इन सभी प्रश्नों को लेकर है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो देर मत करिए, फटाफट अंदाज में इस सेशन के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को पहुंचाते रहिए। पहला सवाल है आपके सामने, शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि किस वर्ष हिंदी भाषा के कार्यान्वित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव हुआ? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। एक ऐसा टॉपिक है जो आपके परीक्षा के लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया हम लोग इसे फटाफट अंदाजे पढ़ने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से इस सेशन की जो महत्व है वो अपने आप भी बढ़ जाती है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है और टॉप 100 सवाल है। जी हाँ, आप इस प्रश्न का उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल मेरा है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में अगर हम पूछें आपसे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं बताएं। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्रहित में है। 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मॉडल पेपर है। यहाँ पर अगला है आपके सामने, कह रहा है कि 14 सितंबर, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, भारत संघ कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? लोकभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सभी साथी जवाब देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले बताया, ये वो प्रश्न है, ये टॉप के प्रश्न है जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे बार बार पूछे जाते हैं। और हम आपसे बार बार कहेंगे कि ऐसे प्रश्नों की सीरीज को आप खुद भी तैयार करके रखें और अपने सभी साथी मित्रों के लिए भी तैयार करा ले, ताकि यहां से जब भी प्रश्न आपके परीक्षा में आए, गलती ना होने पर, क्योंकि जब प्रश्नों में गलती करेंगे तब यहां पर हो जाएगी। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ये ऐसे प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बहुतायत पूछे जाते हैं। हम चाहेंगे वो सभी प्रश्न आपको बताइए जो आपके परीक्षा में खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, राजभाषा, एकदम रट लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला आपके सामने, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने इस सवाल को पूछा और आपके सामने आ गया, फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 अक्टूबर, 27 फरवरी, 29 दिसंबर, 14 सितंबर, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आम है, मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा। बेशक आप वीडियो को शेयर ना करें, लेकिन मैं इस वीडियो को शेयर कर दूंगा, भाई लोगों तक पहुंच जाएगा, कर भला तो हो भला, लेकिन आप भले शेयर नहीं करेंगे। चलिए आइए हम लोग एक एक करके इस प्रश्न बैंक की तरफ हम आपके साथ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह से महत्वपूर्ण सीरीज प्रश्न आपके लिए लेकर डे बाय डे आते रहें। 14 सितंबर आपका सही जवाब, थोड़ा फटाफट अंदाजे पढ़ते हैं, 14 सितंबर इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर 14 सितंबर बताया तो सही जवाब है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया डी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत दिवस, तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आपके जीएसजी के विविध में भी आते हैं और ये आपके विषय में भी आते हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे है कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। सभी को नमस्ते, राधे राधे, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचिएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, सौराष्ट्री। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी, वो किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, कमेंट करके बताइएगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, इसका भी जवाब दीजिएगा। लिपि में पूछ रहा हूं, सबकी लिपि आपको बताना है, ठीक है। अब उर्दू भाषा की लिपि क्या है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
जो उर्दू भाषा है उसकी लिपि क्या है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हिंदी भाषा की लिपि एकदम सही आप लोगों ने बताया, देवनागरी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया ए। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं बात करूं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आप सभी को, और हम चाहते हैं कि सिलेक्शन वाले टॉपिक, सिलेक्शन वाले प्रश्न बैंक आपके लिए जरूर से जरूर पूछे जाए और जरूर आपके परीक्षा में यहां से सवाल आए। तो फटाफट अंदाजा बताइए मेरे साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों का जवाब फटाफट अंदाज में देते रहें। जी हां, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा उसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी मित्र हमारे सेशन को देख रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, एकदम सही आप लोगों ने बताया। यहां पर 343 सी वाला जवाब है, एकदम रट लीजिए, मतलब इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, यहां सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। अगला आपके सामने, क्या है संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था? 1955, 1960, 1965, 1970, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 6 का फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, आपके जवाब जरूर से आने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं सिलेक्शन के लिए आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। जी हाँ, प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर 1955, जो जरूरत लगे प्रश्न की स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है हिंदी की आदि जननी क्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जानते होंगे ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हिंदी की आदि जननी क्या है? अच्छा, दुनिया जितनी भाषाएं हैं उनकी आदि जननी भाषा कौन सी है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कि जितनी भाषाएं हम और आप जानते हैं उन सभी की आदि जननी भाषा कौन है? प्रश्न नंबर 7 का अपभ्रंश है, संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, सभी लोग बताइए। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, मतलब सवाल का सही उत्तर होगा आपका बी, संस्कृत। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है तो पूरी तरह से सही है। अगला, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, तीनों में। प्रश्न नंबर 8 के जवाब दीजिएगा, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? फटाफट कमेंट करिए जल्दी जल्दी। हाँ, भाषा लिखने के लिए लिपि की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है? लिपि की जरूरत पड़ती है, स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया सी। अगला है आपके सामने, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनि के तष्टाध्याय में, अमीर खुसरो की पुस्तक में? 9 का जवाब दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 का। जी हाँ, देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग जयभट्ट की शिलालेख में होता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है और लोग गलती कराते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा बी। हम बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की तरफ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए, वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो प्रश्न नंबर 10 का जवाब एकदम हलवा है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 को हम आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है किस अनुच्छेद में कहा गया है? सभी लोग ध्यान देखिएगा तो अनुच्छेद 343 एक में, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद अगर हम यहाँ पे बात करें तो अनुच्छेद 343 ए में, एकदम रट लीजिएगा कि भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया अनुच्छेद 343 ए में। हम बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ। अगला है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न बैंक, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे आते हैं। वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर निःशुल्क आपके लिए लाइव चल रहा है, फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को फटाफट शेयर करिए। प्रश्न नंबर 12, जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, संस्कृत। एकदम सही जवाब आपने दिया है, संस्कृत, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? बहुत यूनिक सवाल है, जितने भी लोग चाहे इसको फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। सभी लोग फटाफट अंदाज में, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है प्रश्न नंबर 13, तीसरा स्थान है। पहले पे कौन है कमेंट कर बताइएगा, पहले पे कौन है, दूसरे पर कौन है, ये समय समय पर बदलते रहते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ गए सवाल की तरफ, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप से क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 14 के जवाब में सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। ये हिंदी व्याकरण का एकदम सामान्य परिचय है और आपकी परीक्षा के लिए अगर हम बात करें बहुत यूनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 14, देखिए यहाँ पे प्रश्न मुझे लग रहा है कट रहा है, मैं चाहूंगा कि जरा एक बार कमेंट करिएगा, प्रश्न पूरा दिख रहा है आप लोग को ना, कहीं कोई दिक्कत समस्या हो तो जरूर जवाब, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए।
बताइए ताकि हम उसे सुधार कर सकें। अभी भी कट रहा है, चलिए अब नहीं कट रहा होगा ना। भाषा लिखने के लिए उपयुक्त चिन्हों प्रत्येक चिन्हों को व्यवस्थित रूप से क्या कहते हैं, 14 जवाब सभी लोग दीजिएगा। उसे हम लिपि कहते हैं, क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। ये घूम घूम के सवाल आ रहा है, ब्राह्मी को किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रहा है और मैं चाहूंगा इस प्रश्नों के जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फटाफट कमेंट करिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 के जवाब है, सभी लोगों ने सही दिया है देवनागरी। एकदम रट लीजिएगा, हलुआ सवाल है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, 16 नंबर सवाल हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया। हिंदी विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत। इसका जो सबसे सही जवाब दे दिया, मैं ये मान लूंगा कि उसकी तैयारी काफी अच्छी है, वह अपने सिलेक्शन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए वो अपनी तैयारी शुरू कर रहा है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन, यहां गलती हो जाए परीक्षा में, गलती नहीं होनी चाहिए। पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, 16 का जवाब दीजिएगा। अपभ्रंश होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका बी, अपभ्रंश होगा। तो जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर अपभ्रंश बताए हैं उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल यहां पे देखिए, साफ आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। कह रहा है कि अवधी बोली, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राचड़। ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर तैयार किए गए। प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, अर्धमागधी मतलब इस सवाल का उत्तर होगा बी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, खस अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। 18 का जवाब फटाफट दे दनादन, सौरसेनी अपभ्रंश सी। अगला है, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है, वाराणसी गोरखपुर आरा, भोजपुरी, कौरवी, मैथिली, अवधी। 19 का जवाब दीजिएगा। एकदम हलवा सवाल है, यह प्रश्न बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है और ऐसे प्रश्नों को जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं आप सभी को उन सभी प्रश्नों के जवाब जरूर देने हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके, क्योंकि अब की बार एक्सिट हमारा सिलेक्शन लेना है सभी को। ए भोजपुरी एकदम सही जवाब। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जितने वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर आप लोग सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जैसे दुर्गेश सर्च करेंगे इलर्निंग विद दुर्गेश सर उसे ज्वाइन कर लेंगे। सभी क्लास की पीडीएफ नोट्स, इसकी भी क्लास खत्म होने पर इसकी पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ की नोट्स टेलीग्राम पर। ब्रजभाषा की केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। प्रश्न नंबर 20 का जवाब मथुरा, ब्रजभाषा मथुरा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वो क्या बन जाती है, क्षेत्रीय रूप, लिपि, उपभाषा, ब्रजभाषा। 21 का जवाब फटाफट अंदाज में दीजिएगा जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। 21, जी हाँ उपभाषा शीर्ष प्रश्न का, उसे क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। अगला है, बुंदेली का क्षेत्र क्या है, प्रश्न नंबर 22 का जवाब देना, बुंदेली का क्षेत्र क्या है, आगरा, मथुरा, भरतपुर। तो ये आपका झांसी, जालौन, दातिया, मैंने डी वालों का जवाब यहाँ पे सही, जितने लोगों ने 22 का डी बताया। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मानक भाषा, माध्य भाषा, स्रोत भाषा। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। फटाफट कमेंट करिएगा सभी लोग, फटाफट कमेंट करिए। देखिए जब तक आप जवाब नहीं देंगे तो फिर ये समझ में नहीं आता ना यार, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या केवल हम चलाया जा रहे हैं क्या, आपका भी उतनी जिम्मेदारी जितनी की मेरी। तो फटाफट कमेंट करिएगा सभी लोग, आपसे मैं कह रहा हूं। बताइए कमेंट करके, स्रोत भाषा क्या कहते हैं उसे, स्रोत भाषा मतलब इस सवाल का जो सही उत्तर होगा डी, मतलब जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाती है, उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो यहाँ पे पूछ सकता है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट अंदाज में इन प्रश्नों का जवाब देंगे, बताइए फटाफट कमेंट करके।
सभी लोग जवाब दीजिएगा। ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? 24 का जवाब राजस्थानी पश्चिमी। इस प्रश्न का उत्तर ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, पश्चिमी हिंदी। अगला है, पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ध्यान दीजिएगा, पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? नहीं को नहीं पढ़ेंगे, गलती कर जाएंगे। 25 का जवाब सभी लोग दीजिएगा फटाफट अंदाज में। बघेली, औधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी। ध्यान से देखिएगा, बघेली, छत्तीसगढ़ी, औधी, जयपुरी नहीं बोली जाती। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया डी। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेली, बांगड़ू, कलौजी, हड़ौती। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हवा। बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है बुंदेली, बागरू, कन्नौजी, हड़ौती। एकदम आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे। देखिए कई जगह बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो है ए भी सही है, सी भी सही। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए व सी, ठीक है। यहाँ पे दो विकल्प आपके सही है, बुंदेली और कन्नौजी दोनों उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने साफ पढ़ लिया, समझ लिया, स्पष्ट हो गया। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने देखिए, नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप सभी जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर आप लोग सर्च करके जुड़ सकते हैं। अगला है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मथुरा वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती? 27 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ब्रज भाषा, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ब्रज भाषा। अगला है आपके लिए, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बताइए कौन सी बोली इसमें उत्तर प्रदेश की नहीं है? सभी लोग कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब सभी लोग दीजिएगा। बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। भाई सिलेक्शन लेना है सबको ना, कैसे पढ़ना है, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए यहां पे ध्यान से देखेंगे, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, मेवाती, ब्रज, कन्नौजी। 28 का जवाब दीजिए फटाफट अंदाज में, थोड़ा सा फास्ट। भोजपुरी है, ब्रज है, कन्नौजी है, मेवाती नहीं है। मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका सी। अगला है आपके सामने, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी, अभ्रंश। 29 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, एकदम हलवा सवाल है। प्राकृत भी है, संस्कृत भी, अभ्रंश है, लेकिन पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। इस सवाल का उत्तर हो गया सी। अगला है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? जयपुरी, मैथिली, भोजपुरी, मगही। 30 का जवाब देना है, तो जानते हैं मगही है, मैथिली, भोजपुरी है, जयपुरी नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया ए। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय, सदर मिश्र, श्रद्धा राम फुलौरी। तो जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 31 का, जो लोग लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर होगा श्रद्धा राम फुलौरी। मतलब सवाल का उत्तर हो गया डी। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी जो बोली है उत्तर प्रदेश की नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट अंदाज में, क्योंकि अभी की बार सिलेक्शन लेना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी है, 32 जवाब सभी लोग दीजिएगा फटाफट अंदाज में, देना है, लेट नहीं करना है। बताइए, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, लेकिन जयपुरी नहीं है। मतलब सवाल का उत्तर क्या हो गया आपका बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया तो आपका जवाब सही है। अगला, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम बागड़ी, कुमल जीवल, दासाणी, ढोनाड़ी। 33 का जवाब सभी लोग दीजिएगा फटाफट, ढोनाड़ी। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया डी। अगला, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? 34 जवाब सभी लोग दे लेंगे, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, औधी बोली जाती, कन्नौजी बोली जाती, ब्रजभाषा पहाड़ी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। मतलब सवाल का उत्तर हो गया बी। वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगेंगे आपके। अगला, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? 35 जवाब दीजिएगा अपभ्रंश से, ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब माना जाता है? कमेंट करिएगा। 1000 ईस्वी से अब तक, मतलब सवाल का उत्तर हो गया सी। अगला है, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम रिक्त स्थानों के लिए भरा जाएगा। संस्कृत प्राकृत, प्राकृत पाली, वैदिक भाषा और पाली, पाली और प्राकृत। प्रश्न नंबर 37 जवाब दीजिए फटाफट। तो यहां पर हो जाएगा पाली और यहां पर हो जाएगा प्राकृत। इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? इसकी पूरी पीडीएफ जो क्लास की डेली की पीडीएफ होती है वो आपको कहां पे मिलेगी? टेलीग्राम पर। तो सभी साथी टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और फेसबुक पर भी इसका मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। 38 का जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। खड़ी बोली, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी। 39 के जवाब सभी लोग दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रजभाषा। सी वालों के जवाब यहां पे सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वैदिक, संस्कृत। 40 प्रश्न नंबर के साथ जवाब देते चलिए। प्रश्न नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा आप जवाब देंगे। जो लोग वीडियो को लाइव पढ़ रहे हैं, ये लाइव क्लास चल रही है, हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, आप बाद में भी देख रहे हैं तो भी जवाब दीजिए। यहां पे गलती हो जाएगी, परीक्षा में तो गलती नहीं होगी ना, इसलिए प्रश्न को पढ़िए ध्यान से और जवाब दीजिए। फटाफट कमेंट करिए सभी लोग, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं। 40 को मैंने कई बार बताया, वैदिक संस्कृत डी। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न बैंक है एक तरह से। असमिया, उड़िया, कन्नड़, बंगला। जी हां, एकदम सही आपने बताया, कन्नड़। कन्नड़ का संबंध किस राज्य से? कमेंट करके बताइएगा। हड़ौती बोली कहां बोली जाती है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये बोली जाती है राजस्थान में। राघड़ी बोली कहां बोली जाती है? 43 का जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा। हरियाणा में। कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? नहीं है वाले जवाब देना है आप लोग को, नहीं है वाले को सबसे ज्यादा फोकस करना है आप सभी को। 44 का जवाब देना है आपको। देखिए, निमाड़ी है, बुंदेली है, मालवी है, लेकिन बांगरू नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? रांची, जोधपुर, जबलपुर, सिलीगुड़ी। जबलपुर किस राज्य में है? कमेंट करके बताइएगा जबलपुर किस राज्य में है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान कौन सी है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी सिलेबस, आपके परीक्षा के लिए है। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान कौन सी है? 46 जवाब देना है आपको। पश्चिमी हिंदुस्तानी भाषा, एकदम रट लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। अगला है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 2, 4, 3, 5। पांच। इलानी विद दुर्गेश नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा, उपभाषा, बोली, राष्ट्रीय भाषा। 48 बोली कहते, क्या कहते हैं उसे? बोली कहते। मतलब यहां तक ना कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई प्रश्न हो गया, फिर भी कोई सवाल हो तब हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए तो बैठे हैं। अगला कह रहा है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जब भाषा को बोला जाता है उस समय जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? अवरोह, आरोह, अनुताप, संगम। जवाब सभी लोग दीजिएगा, चाहे गलत या सही। उसे अनुतान कहते हैं, मतलब सवाल का उत्तर हो जाएगा ना सी। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा सी।
रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा प्रश्न ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, लेकिन कुल्लुई के लिए नहीं होता। आप प्रश्न का विकल्प देखकर इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती थी, ये पुराने सवाल है, तो बंगाली थी। अच्छा 2011 के अनुसार क्या होगा, कमेंट कर बताइएगा। देखिए घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं सभी परीक्षाओं के लिए, आपके लिए चाहे वीडियो की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एस की परीक्षा हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, सभी की, ठीक है, सभी नोट्स आपको यहां से मिल जाएंगे। अगला है आपके सामने, थोड़ा सा प्रश्न मुझे लग रहा है कट रहा होगा, कह रहा है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है, फरुखाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, कट रहा है ना, रुक जाइए प्रश्न थोड़ा सा कट रहा है। चलिए अब बताइए प्रश्न नंबर 52 का, देखिए यहां पर फरुखाबाद भी सही है, कन्नौजी फरुखाबाद में बोली जाती है, लेकिन उसके अलावा ये कानपुर में भी बोली जाती है, मतलब यहाँ ए भी सही है और इसका डी भी सही है, मतलब ये दोनों, मतलब यहां हम लिख सकते हैं ए व डी सही है, ठीक है, ए और डी दोनों। अगला है बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, 53 का जवाब सभी लोगों को देना है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हरियाणा सी। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया, लॉर्ड मैकाले, जॉन एडम्स, वॉरेन हेस्टिंग, द लॉर्ड मिंटो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, सरकारी नौकरी वाले सवाल है ये, 54 के जवाब सबको देना है यहां पर, लॉर्ड मैकाले एकदम रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले ने एकदम रट लीजिएगा, हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ आपके साथ। भारतीय भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या, भाषा जो है उसका जो क्षेत्रीय रूप है को क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा, बोली, राजभाषा, साहित्य, क्या कहा जाता है, बोली, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, परियोजना, पत्र, परिचर्चा, निबंध, 56 का दिमाग लेके जवाब दे देंगे सभी लोग, चाहे वीडियो फेसबुक को चाहे यूट्यूब पर, यहां पर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परिचर्चा, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से, आज के सेशन हम लोगों ने पढ़ा, तो द्रविड़ भाषा परिवार से, मतलब सवाल का उत्तर हो गया डी, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण, 58 का जवाब दीजिएगा, तो सौरसेनी सवाल का सही जवाब होगा सी। अगला हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, 59 तो पूर्वी हिंदी है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, अभी हम लोगों ने पढ़ा पूर्वी हिंदी, समय नहीं लगाएंगे आपका, फटाफट अंदाजे पढ़ेंगे। अगला है, अच्छा यहाँ पे कट रहा था सवाल, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को सवाल कट रहे थे, देखिए अब थोड़ा सही आ रहा है ना, कट रहे थे ऊपर प्रश्न। अब देखिए ये भी सवाल मुझे लग रहा है कट रहा होगा, अब देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, 4, 5, 8, 10, सवाल इंपॉर्टेंट है, तो 5 ऊपर हम लोगों ने आज के सेशन में ही पढ़ा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है, आयुगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, यहां 62 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, कुछ प्रश्न आपको नए मिलेंगे कुछ पुराने मिलेंगे, श्लिष्ट योगात्मक। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, 63 का जवाब देना है आपको, मागधी, अर्धमागधी, पैचासी, सौरसेनी, यहां पे सवाल का उत्तर हो गया आपका डी, सौरसेनी। क्लियर हुआ सबका कॉन्सेप्ट, कोई प्रश्न हो कोई सवाल हो तो पूछते चलिएगा।
कह रहा है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जा गया है, काशिका कहा गया है, दिल्ली, वाराणसी, सूरत, भीलवाड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है वाराणसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? मघेली, माघी, कन्नौजी, मेवाती। कन्नौजी। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? नहीं वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, मैं बार बार आपको बता चुका हूं, बताइए सभी लोग। देखिए, अगर हम प्रश्न नंबर 66 की बात करें तो यहाँ पर बघेली आती है, अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, पूर्वी, लेकिन मगही पूरी बोली के अंतर्गत नहीं आती। सी। चलिए, एक सवाल है आपके सामने, 67 है। कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? सभी लोग फटाफट बताइए, कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मेवाती, बघेली, कनौजी, मगही। मेवाती। प्रश्न देखते ही आप इसका जवाब दे देंगे। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? यह सवाल करंट का है और हिंदी से जुड़ा हुआ है, बताइए सभी लोग फटाफट। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो यहां पर भोपाल था। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा दिख रहा है आप लोग को ना? हिंदी के अतिरिक्त, देखिए प्रश्न ऐसा कट रहा है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जवाब सभी लोग दीजिएगा। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है बांग्ला, सिंधी, नेपाली, पंजाबी। इंपॉर्टेंट है ये, नेपाली। शी, कौन सी भाषा है? नेपाली। जरा फेसबुक कमेंट कर बताएं मेरी आवाज साफ आ रही है, जरा फटाफट कमेंट करके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है। खड़ी बोली निकली है कहां से? निकली है अपने घर से, निकली है बिहारी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, बताइए। पश्चिमी हिंदी से। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा, लिपि, व्याकरण। व्याकरण। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी साथी हमारे साथ इस वीडियो में बने हैं। खड़ी बोली। हम नए सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय। जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके, आप लोग के जवाब ही नहीं आ रहे, कमेंट करिए। राजा राम मोहन राय। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश, पूर्वीय हिंदी, परिनिष्ठ हिंदी, खड़ी बोली। डी। पूर्वी हिंदी विकसित हुई। 75 जवाब दीजिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अर्धमागधी, अपभ्रंश। बी। अब यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 76 जवाब सभी लोग दीजिएगा। 1500 ईसा पूर्व के आसपास। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। हिंदी को भाषा नहीं है, 77 जवाब सभी को देना है। राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी, मराठी नहीं है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्या, कौन सी भाषा बोली जाती है? आप कहां से हैं कमेंट करके बताइएगा, आप कहां से हैं? भोजपुरी।
बड़ा मीठा, बहुत प्यारा लगता है। कभी सुनिए गाजीपुरिया। हड़ौती, बहुत बार पूछा गया हड़ौती, 79 का था, 79 का। पूर्वी राजस्थान। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? नहीं वाले प्रकरण को बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़िएगा, 80 सभी को जवाब देना है। ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है, मैथिली नहीं है, मतलब सवाल का उत्तर हो गया डी। भारत किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है 81। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा। कौन से उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? कमेंट करिएगा सब लोग। कौन से उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूसरी राजभाषा है? पहला तो हिंदी हो गया, पहला है हिंदी, दूसरा है आपका उर्दू। उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि क्या है? स्क्रिप्ट। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह नोट्स फेसबुक पर, यह नोट्स आपके घर तक मिल जाएगा। ये सभी नोट्स ये जनपद जौनपुर से सभी क्लासेज आपके लिए चलती हैं, तो ये नोट संबंधी जानकारी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। स्कूल क्लासेज सभी, और फिर अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो सभी नोट्स आपको वहीं से डाउनलोड हो जाएंगे। रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई थी? 83 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, और हम चाहेंगे इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग जरूर दें फटाफट अंदाज में। अवधी भाषा में एकदम ज्यादा ज्यादा सवाल पूछा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? 84 का जवाब दीजिएगा। तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, नानक, अमीर खुसरो। इस प्रश्न का उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही था। हम बढ़ते नए सवाल की तरफ। एक सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वैसे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। हरियाणवी, हिंदी, भारतीय, कौरवी। कौरवी है। हैदराबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अच्छा, आपके जनपद में कौन सी, जरा बताइए किस राज्य से, किस जिले से है? क्योंकि जब भी होंगे हिंदी भाषी राज्य से होंगे तभी इस सेशन को पढ़ रहे हैं। यहां पर होगा अवधी। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदोई जनपद के आसपास। लेकिन नोट संबंधित फिर से जानकारी आपके सामने आ गई, और मैं चाहूंगा आप चाहे जिसे अपने पास सुरक्षित रख लें, सभी नोट्स मिल जाएगा जनपद, इसके अलावा भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ में भी है और घर तक भी आपको मिल जाएंगे। अगला है, आधुनिक में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपको जवाब देना 88 का, सभी को जवाब देना। इस बार मैं इस बार नहीं बताने वाला आपको, इस बार आप हमें बताएंगे, इस बार आप हमें कमेंट करके बताएंगे, आपकी जिम्मेदारी इस बार 88 सवाल का जवाब देने के लिए। अरे भोजपुरी है, क्लियर हो गया। ब्रज है, अवधी है, यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा बघेली नहीं। ठीक है, एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। बलिया, मरियापुर, देवरिया, अलाहाबाद। बलिया भी है, मिर्जापुर का बेल्ट है, देवरिया है, अलाहाबाद नहीं है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? अवधी। ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। इसके अलावा दो यूट्यूब चैनल और है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर है, स्टडी विद दुर्गेश सर है, उस चैनल पर भी आपकी क्लासेस मिलती हैं, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? 91 ब्रज। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यो का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का। 92 का जवाब दीजिएगा, ईरानियों का।
पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ये मैंने आज के सेशन में ही पूछा था आपसे, वही प्रश्न अंत में पूछ दिया। तो गुरुमुखी, इसमें गुरुमुखी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साकेत, निर्जया, प्रीप्रवास, कामायनी। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इसकी, वैसे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। प्रिय प्रवास बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, मगही, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बताइए। मगही है, भोजपुरी है, मैथिली, अवधी नहीं है, मतलब सबका उत्तर हो गया। अभी आप लोग को समझ भाई, कल से क्लास में एकदम टाइम से रहिएगा और टाइम तक। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है। 96 का जवाब दीजिएगा, पाली है, मतलब डी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस उपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी। 97 का जवाब पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश से हुई है, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका ए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है। आज का ये टॉप के 100 प्रश्न है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। और आज की सेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर हमें बताइएगा, ताकि हम आपके लिए डे बाय डे इस तरह की सेशन लेकर आ सकें। इस वीडियो में जैसे जुड़िएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करिएगा। YouTube पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बेशक लाइक ना करिए। लोगों तो पहुंचना चाहिए मेहनत, क्योंकि ऐसे प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इलर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। हिंदी का पाणिनि किसे माना जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। हम चाहेंगे आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दें, भैया हिंदी का जो पाणिनि है किसे माना जाता है, बताइए। हिंदी का पाणिनि किसे माना जाता है? भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास, वाजपेयी। सभी के जवाब आने चाहिए। किशोरीदास वाजपेयी माने सवाल का उत्तर हो गया डी। हिंदी का प्रथम व्याकरण किससे लिखने वाले विद्वान कौन थे, बताइए, जवाब दीजिएगा। जेसुआ केटलर ए। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालीभद्र को, सूरी को, स्वयंभू। आप बताइए क्लास कैसी लगी? क्या कल से आप लोग टॉप 100 सवाल की सेशन शुरू रहने दें? आप लोग भी जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, अपने मित्रों को साझा करेंगे, नहीं कमेंट करके जवाब दीजिएगा। स्वयंभू, अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, इस क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नोट्स के लिए नंबर रख के रखिएगा, यहाँ पर आपको सभी क्लास की नोट्स भी मिलती रहेगी। आप चाहते हैं कि निःशुल्क क्लास में भी आप जुड़े रहें तो एक और नंबर है जिस पर आप कॉल करके, आप उस नंबर पर अपना नाम और जिला भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम और जिला भेजकर आप इन क्लासों में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ताकि आपको हर क्लास की, हर सेशन की लाइव मिलती रहे, पीडीएफ नोट्स मिलते रहे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी क्लास खत्म होने के बाद, फेसबुक पेज पर भी आपको मिल जाएगी। तो देर मत करिएगा, क्लास में जुड़िएगा, मित्रों को साझा करिएगा, और कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो हमें भी जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे, और प्रतिदिन इसी समय क्लास में लाइव आ जाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, जितना मेरी थी उतनी आपकी भी है, ठीक है। थैंक यू, हाँ सभी को थैंक यू, सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय। थैंक यू सभी का, थैंक यू। क्लास में एकदम टाइम से रहिएगा, टाइम तक के लिए रहिएगा, अच्छे प्रश्न है आपके लिए जी। हाँ सभी को थैंक यू, बाय बाय।